नीति आयोग की बैठक से निकली ममता बनर्जी, बैठक को बीच में छोड़कर निकली ममता और केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप, और बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया और मेरा माइक बंद कर दिया गया, ऐसा बयान दिया ममता बनर्जी ने। नीति आयोग की बैठक से निकलकर यह बयान दिया है, केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आई ममता बनर्जी बीच बैठक में बाहर निकली और फिर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया और मेरा माइक बंद कर दिया गया। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली और फिर मीडिया से रूबरू होकर केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए। बीच बैठक छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी और नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आई थी और बीच बैठक में बाहर निकली और फिर केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। और ममता ने कहा कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया और बीच में उनका माइक बंद कर दिया गया। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक से बीच में निकली ममता बनर्जी, बाहर निकलकर केंद्र सरकार पर बड़े गंभीर आरोप लगाए और कहा कि मेरा माइक बंद कर दिया गया और मुझे बैठक में बीच में बोलने भी नहीं दिया गया, और इसी के चलते बैठक को बीच में छोड़कर निकली ममता बनर्जी। बड़ी खबर, नीति आयोग की बैठक से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर आज नीति आयोग में शामिल होने आई ममता बनर्जी बैठक को बीच में छोड़कर बाहर निकली और फिर केंद्र सरकार पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। ये बड़ा बयान ममता ने नीति आयोग की बैठक से बाहर आकर दिया। और दिल्ली से यह बड़ी खबर, जहां पर नीति आयोग की बैठक जारी है और बीच में ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, नीति आयोग की बैठक में शामिल होने आई और बीच में देखिए मेरे स्टेटमेंट ये भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, अब रोड बंद करके रखा, ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते है। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, इफ यू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन योर पार्टी वेन यू आर इन पावर यू हैव टू टेक केयर फॉर ऑल। मैंने जो बोलना एक ने बोला है उसका बाद में बस मैं हूँ माइक स्टॉप बोलने चाहते थे बोलने के लिए। और दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नीति आयोग की बैठक से बीच में ममता बनर्जी बाहर निकली और फिर बयान दिया, केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए, आपका उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया, ऐसा बयान उन्होंने नीति आयोग की बैठक से बीच में बाहर निकल कर दिया। और ये तस्वीरें उनके बयान की आपको दिखा रहे हैं, हमने आपको उनका बयान सुनाया जहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से बाहर निकली और फिर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, भेदभाव के आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि बैठक में वो शामिल होने आई थी लेकिन बैठक में उन्हें बोलने नहीं दिया गया, साथ ही उनका माइक बंद कर दिया गया। और दिल्ली से ये बड़ी अपडेट, जहां पर आज नीति आयोग की बैठक जारी है और बीच में यहां पर ममता बनर्जी बैठक से बाहर निकलती है और फिर केंद्र सरकार पर भेदभाव के बड़े गंभीर आरोप लगाती है और मीडिया से रूबरू होकर उन्होंने बयान दिया कि उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दिल्ली से राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली से, नीति आयोग की बैठक से एकदम से ममता बनर्जी बाहर निकलती है और फिर बयान देती है कि भेदभाव हुआ है, उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मौके से? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ममता बनर्जी इस समय नीति आयोग की बैठक से बाहर निकल गई है और अपनी नाराजगी बताते हुए उन्होंने कहा कि मुझे नीति आयोग की बैठक में बोलने नहीं दिया गया। सीधा तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि नीति आयोग की बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया है, राज्य के डेवलपमेंट को लेकर के मुझे फंड चाहिए था, क्या कुछ मुझे चाहिए, सारी बातें हम रखना चाह रहे थे लेकिन मुझे जब बोलने ही नहीं दिया गया तो मैं बैठक में मौजूद रखे कर क्या सकती हूँ। तो एक कहा जा सकता है कि बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। हालांकि ये बैठक जो है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2047 तक कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, और यही वजह है कि सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है
तो जो इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ नहीं पहुंचे, ममता बनर्जी सिर्फ पहुंची हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी नाराज होकर बैठक से बाहर निकल गई है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री इंडिया ब्लॉक के हैं वो लगातार सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसमें जो है पक्षपात किया है केंद्र सरकार ने, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो, या कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो। चर्चा थी कि हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो भी शामिल नहीं हुए, सिर्फ इंडिया ब्लॉक से ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई थी। तो अब ममता बनर्जी नाराज होकर के निकल गई है बैठक से, और उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि जो ये बैठक हो रही थी नीति आयोग की, इस बैठक में बोलना चाह रही थी और वो राज्य के डेवलपमेंट को लेकर के अपने हिसाब से डिमांड कर रही थी, फंड का डिमांड कर रही थी, लेकिन उनका आरोप है कि जब उनको बोलने ही नहीं दिया गया इसलिए वो बाहर निकल गई है। अब देखिए, कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, हालांकि सीधे तौर पर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की तरफ से सभी मुख्यमंत्रियों से यह चर्चा करने की तैयारी थी कि राज्य में क्या कुछ डेवलपमेंट करना है, विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर के क्या कुछ रोडमैप तैयार करना है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। जी जी बिल्कुल राजीव, देखिए जहां एक तरफ नीति आयोग की बैठक के लिए और राज्यों के इंडिया गठबंधन के से जुड़े मुख्यमंत्रियों के जहां पर उन सभी का बहिष्कार देखा गया, वहां पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में पहुंचती है और फिर बीच बैठक को छोड़कर बाहर निकलकर कहती है कि उन्हें मौका नहीं दिया गया बोलने का, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ये बयान अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, इस किस तरीके से देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी के तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है और कहा जा सकता है कि आने वाले समय में एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि देखिए अभी संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है और इसी बीच बैठक हुई है, और कल ममता बनर्जी देखिए दिल्ली जब पहुंची थी उसी समय उन्होंने कहा किया, उन्होंने कहा कि नीति आयोग का नाम जो पहले था योजना आयोग, नीति आयोग का नाम बदल के योजना आयोग रख लेना चाहिए, और योजना आयोग की जो योग काम करने की जो तरीके थे उसी हिसाब से काम करना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए आरोप प्रत्यारोप तो पहले से चल रहा था, लेकिन अब ममता बनर्जी निकली हुई है और सीधे तौर पर वह आरोप लगा रही है, क्योंकि जब बोलने का मौका नहीं दिया गया तो वह बैठकर बैठक में मौजूद रह के क्या करेंगी, लिहाजा वो बाहर निकल गई। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इंडिया ब्लॉक के जो दूसरे नेता हैं इसको लेकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री का जो विजन है कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें सभी राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण है, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ ये लोग बात विचार करके चर्चा करके और आगे की तैयारी को लेकर के एक रोडमैप बनाना चाहते थे कि किस राज्य में क्या जरूरत है, कैसे डेवलप करना है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर क्या डिमांड है, तो उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी थी। लेकिन इसी बीच ममता बनर्जी का बैठक से बाहर निकलना यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा आने वाले समय में, और इसको लेकर विपक्ष हमलावर दिखेगा। इतना जरूर है कि देखिए विपक्ष के जो मुख्यमंत्री जो बहिष्कार कर रहे थे उनको एक मजबूती मिली है, क्योंकि ममता बनर्जी बाहर निकल करके और जो उन्होंने बयान दिया है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है जिसमें वो सभी लोगों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश कर रहे थे, यह एक बड़ा कहा जा सकता है कि पक्षवाचक चिन्ह लग रहा है इस मौखिक रूप से। तो ऐसे में कैसे जो कांग्रेस शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है या इंडिया ब्लॉक शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है उनके उन राज्यों का कैसे डेवलपमेंट होगा, उनको लेकर प्रधानमंत्री कैसे आगे जाएंगे, या योजना नीति आयोग में जो उपाध्यक्ष है वह कैसे उन लोगों से चर्चा करेंगे, विचार विमर्श कर देंगे, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आने वाले समय में यह जो बैठक है इस बैठक को लेकर सियासत थोड़ी दिख रही है, जैसा कि बयान ममता बनर्जी ने दिया है, और विपक्ष इसको लेकर हमेशा आक्रामक रहेगा। जी शुक्रिया आपका राजीव तमाम जानकारी के लिए। और दिल्ली से ये बड़ी अपडेट, जहां पर नीति आयोग की बैठक से बाहर निकली ममता बनर्जी और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए, भेदभाव के आरोप लगाए और कहा कि उन्हें बैठक में बोलने नहीं दिया गया।